ये जो है पैंट हो गया, ये पैंट लूज हो या फिटिंग हो, आप इस तरीके से करते हो तो परफेक्ट है, अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे है, परफेक्ट कैसे है, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा और आप रियलाइज भी कर पाओगे। ये रहा मेरा पैंट का अगला हिस्सा, ठीक है, आगे का पल्ला। अब इसको करेंगे क्या दोस्त, ये देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये देखिए कटा हुआ है। अब इसको इस तरीके से 50-50, ये आधा को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इतना हिस्सा छोड़कर, हिप का हिस्सा छोड़कर, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इससे क्या फायदा है, ये चीज हम आप सभी को अच्छे तरीके से बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, ये देखिए, ठीक है। तो इसको ये देखिए, इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको पहले ही ये क्या दिख रहा है, ये पहले ही क्रीच बन गया इसका, परफेक्ट। तो ये जो है, जब आप इसको पूरा सिलाई करके जब प्रेस लगाने जाओगे तो उसमें क्रीच का झंझट नहीं रहता है कि बीच सेंटर हम कहाँ से लें, सिलाई के ऊपर सिलाई। जैसे कि ये फॉर्मूला जब भी यूज होता है दोस्त, ये शोरूम में यूज होता है, ये जनरल दुकानों में यूज नहीं होता है। और जो जनरल दुकानों में ये यूज करते हैं तो समझ लो भाई, वो काम बहुत अच्छा प्रोफेशनल करते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से काम करो, जो लोग नहीं करते हैं इस तरीके से वो इस तरीके से काम करना शुरू कर दे, अपने काम में जो है क्वालिटी लाए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सेम इसी तरीके से पहले से ही ऐसा काम करते हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे ये लगेगा कि आप जो है काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो और लोग भी करते हैं, इससे जो है मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जो है दूसरे पल्ला को भी सेम इस तरीके से देखिए, ये मेरा सीधा हो गया और नीचे वाला उल्टा हो गया, और ये जो सिकुड़न होता है ना, ये भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ये देखिए, ये जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और आप सभी को जो है ऐसा लगता है कि मैं कुछ सिखा पाता हूँ अच्छे तरीके से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरीके का वीडियोस देखने और सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। और ये वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। ये सब तरीका जो है, छोटे छोटे तरीके जो मैं बताता हूँ, ये आप सभी को कैसा लगता है, बेनिफिट मिलता है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो।